खिड़की जो खोलूं तो देखूं यहां से वहां सारी दुनिया में घूमूं। आप किसे तलाश करने जाओगे? ऑब्वियसली खाला वगैरह हिना को तलाश कर लेंगे। नादिया के लिए घर में मुझे तारा को देखने जाना है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, काश वो तुम्हारे घर पैदा ना हुई होती। चलो तारा बेटा, नाराजगी खत्म कर दो और बाकी की नाराजगी बाद में दिखा लेंगे। नहीं मामू, डैड ने डांटा क्यों था और मामा ने मारा क्यों था मुझे? तारा बेटा, मामा ने मारा था तो सॉरी भी तो किया था ना। हाँ तो यार, डैड ने भी तो सॉरी कह दिया था ना। बस अब नाराजगी खत्म कर दो ना। मैं सिर्फ एक शर्त पे दोस्ती करूंगी। मेरे बच्चे, मुझे तमाम शर्तें मंजूर, बोलो। मेरी शर्त ये है कि हम दुबई घूमने जाएंगे। मेरे बच्चे, मुझे मंजूर है, हम जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। खुश? बाबा, मुझे आप बहुत याद आ रहे हैं। आपकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, I love you। है कितना हसी ये जहाँ, है कितना हसी ये जहाँ। चलो भाई। I love you too। इसका मतलब है कि सारे मामलात सेटल हो गए हैं। क्या ख्याल है, अब खाना लगवा लिया जाए? बहुत भूख लग रही है। बिलाल का फोन। हाँ बिलाल यार, मुझे मेरी बच्ची मिल गई यार। हाँ मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल। कर रहा हूँ। आप लोग बैठे, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आया। खाना? मैं आ। शुक्र है सईद, मेरी बच्ची मिल गई। चलो अब तो खुश हूँ। ये कहीं मेरे पापा तो नहीं है? अरे ये तो बाबा ही, वो भी बहुत खुश होंगे ना। कल जो मिल रहे हैं उनको भी नींद नहीं आ रही। हेलो बाबा। बाबा मुझे पता है, अल्लाह मियां ने आपको सिर्फ मेरे लिए भेजा है। मैं कल आ रही हूँ बाबा। आंटी कह रही थी कि अब हम एक साथ रहेंगे। मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है बाबा। बाबा मुझे आपको बहुत सारा प्यार करना है। वकार जी, इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बेटी मिल गई थी। बाबा मैं कब की मिल चुकी हूँ। मैंने नानों से मिलने गई थी ना इसलिए। लेकिन बाबा मेरा नाम हेना है। जी जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। पापा ने फोन क्यों रख दिया? उनके साथ तो बहुत सारी बातें करनी थी। पापा तो सब कुछ भूल गए, मेरा नाम भी भूल गए। बाबा मुझे पता है, अल्लाह मियां ने आपको सिर्फ मेरे लिए भेजा है। मैं कल आ रही हूँ बाबा।
आंटी कह रही थी कि अब हम एक साथ रहेंगे। मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है पापा। अल्लाह मैं क्या करूं? आंटी फोन उठा लें, प्लीज फोन उठा लें, प्लीज आंटी। क्या हो गया वकार? घर आकर बेटी को वक्त देना चाहिए। मैं कल आ रही हूँ बाबा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें अपनी बेटी तारा को वक्त देना चाहिए, तारा को वक्त देना चाहिए। जान छुटेगी जिम्मेदारी से। क्या हो गया शाजिया? सोच समझ के बोला करो, बच्ची हर बात समझती है। मैं तो सच बोलती हूँ अम्मा, बुरा लगे या भला। और हाँ अम्मा, ये ट्रंक लेके क्यों नहीं जा रही? इतनी भी क्या जल्दी है? अगर वो रख लेगा तो मैं बाद में जाके दे आऊंगी। वो रखता है तो रखे, ना रखता है तो यतीम खाने में जमा करवा दे, ये हमारा मसला नहीं है। ऐसा ना कहे गुस्से वाली आंटी। आंटी ने मुझे बताया था जिनके बाबा नहीं होते उनको यतीम कहा जाता है। मेरे तो बाबा है ना। आंटी ये गुस्से वाली आंटी अच्छी बातें क्यों नहीं करती? अब किस बात का गुस्सा तारा? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम क्या चाहते हो, हम क्या दोस्त बन जाएंगे? मैं बस ये चाहता था कि घर में सुकून हो जाए। अच्छा तो तुम चाहते हो कि घर के अंदर सुकून हो जाए। मेरे पास एक हल है। क्या हल है तारा, बोलो। कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाऊँ मैं तारा? कहीं पे भी चले जाओ, जहाँ तुम्हें जाना, बस मेरे डैड को छोड़ दो। ये सिर्फ मेरे डैड है, समझे तुम? क्या देख रहे हैं? क्यों करती हो इतनी मोहब्बत मुझसे? ये कैसा सवाल है? कोई सवाल तो है ना, आखिर इस मोहब्बत के बदले में मैंने तुम्हें दिया ही क्या है?
मोहब्बत है, कोई बिजनेस नहीं है। और वैसे भी आपका नाम मिल जाना, आपके साथ जन्नत तक का सफर तय करना, इससे ज्यादा खुशी तो मुझे हो ही नहीं सकती। मोहब्बत नहीं, इश्क करती हूँ मैं आपसे। और आप देखिएगा, जो हमारी औलाद होगी ना, वो भी इश्क करेगी मेरी तरह आपसे। ये तारे ये जुगनू तेरे साथ हैं मामा बाकी खुशबू। इतनी महवियत से किसके बारे में सोच रहे हो? ऑफिस के लिए चेंज कर लूं। इसने मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं किया? आंटी हम कब पहुंचेंगे? मुझे पापा से मिलना है। वकार साहब का ऑफिस है? जी वकार साहब का ऑफिस है। आपको किससे मिलना है? हमें वकार साहब से मिलना है। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, ये आपसे कोई मिलने आई हैं, उनके साथ एक बच्ची भी है ना? ठीक है मैं वेट कराती हूँ, आप वेट करें, आ रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, किससे मिलना आपको? हमें वकार साहब से मिलना था। वकार साहब से? वकार साहब तो भी नहीं। अंकल मुझे मेरे बाबा से मिलना है। आप कौन हैं? मेरा नाम हिना है। हिना? भाई हिना नहीं मिलेगी अपनी बाबा से तो कौन मिलेगा? चलो मैं तुम्हें बाबा के कमरे में लेके चलूं, ठीक है? मैं एक गिफ्ट ले लूं? हाँ हाँ जरूर ले लो, चले आओ, आ जाओ आ जाओ। चाय मिलेगी? जी बनाती हूँ।
यार एक ही बात पूरी रात करते करते तुम थकी नहीं हो क्या? सही, आखिर आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? वकार भाई का रवैया आपसे इतना खराब है और आप हैं कि उसकी बेटी की कोई बात दरगुजर ही नहीं करते। यार वो मेरी भांजी है, देखा नहीं है सबकी कितनी लाडली है, नखरे देखें, अभी से हमें ब्लैकमेल करती है। और अगर पार्टी पैसे वाली हो ना तो मसलहतन इंसान को कभी कभी बेगैरत बनना पड़ता है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब्बा जान तो इतने खुददार थे। हाँ खुददार थे, जबी तो जाते हुए दोनों हाथ खाली थे उनके। और हाँ, हमें अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है और मराहत हासिल करनी है तो मेरी बात अपने पल्लू से बांध, हमें वकार की बेटी को आंख का तारा बना के रखना होगा। क्या समझी? यही तो कह रही हूं कि आपने देर कर दी, अम्मा हिना को लेके चली गई। कहाँ लेकर गई है, घर या ऑफिस? पता नहीं, बस ये तो नहीं बताया, बस कह रही थी कि हमारे लौटा कर ही आऊंगी। अच्छा तो आप हैं वक्का साहब, जब कह रहे थे अपनी बेटी को आकर ले जाए, जब तो आए नहीं और अब आ गए। अच्छा पहले की बात छोड़ें, वो हिना को बुला रहे। यही तो कह रही हूँ कि आपने देर कर दी, अम्मा हिना को लेके चली गई। कहाँ लेकर गई है, घर या ऑफिस? पता नहीं, बस ये तो नहीं बताया, बस कह रही थी कि हमारे लौटा कर ही आऊंगी। फोन उठा लो, उठा लो प्लीज। हेलो, तुमने ऑफिस जाकर मुझे फोन किया, खैरियत तो है ना? और ये इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं नहीं घबराए हुए नहीं हूँ, वो तुम कहाँ हो अभी? मैं अभी अभी जिम से आई हूँ। क्यों? अच्छा बस ठीक है। ये मेरे घर से बाहर रहने पे इतना खुश क्यों हुआ है? अंदर जाकर चेक करती हूँ, कोई ब्लंडर तो नहीं किया? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। ये देखो ये है आपके बाबा का ऑफिस, कैसा लगा? बहुत प्यारा है। ना बैठो। शाबाश। अब एक काम करते हैं, जल्दी से आपके बाबा को फोन करते हैं ताकि फौरन आ जाए। हाँ विलन। हाँ भाई वकार। बिटिया रानी यहाँ, कहाँ हो तुम? ओके शुक्र।
आपके बाबा बस पहुंचने वाले। अंकल आप बहुत अच्छे, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मेरे बाबा से ज्यादा नहीं, मेरे बाबा तो हैंडसम है, वो तो हीरो लगते हैं बिल्कुल। Yes, ma'am. वकार का लहजा इतना अजीब सा था, लेकिन घर में तो कुछ गलत नहीं है। अम्मा कहाँ घर है गई है? अम्मा कहाँ रह गई हो, इतनी देर हो गई है? हाँ हाँ, वो भी बच्ची को ऑफिस में लेके गया है ना वकार के, तो बस आ गया ना, काफी उसने अपनी बेटी को देख लिया। हाँ हाँ आती हूँ। तो क्या कर रही हो तुम वहाँ बैठ के, टाइम जाया कर रही हो बिना वजह। अभी वो वकार से तो मिल ले। बस अम्मा मैं कह रही हूँ घर फौरन वापस आओ, अब वकार जाने और उसकी बेटी। बाबा आ जाएंगे। लो आ गए। बाबा मुझे पता था अलमिया बच्चे की बात जरूर सुनते। नहीं बाबा रोते नहीं है, नानू कहती थी कि रोना अच्छी बात नहीं होती है, और बाबा तो बिल्कुल नहीं रोते। अगर बाबा रोएंगे तो बाबा की हिना को कौन कुछ चुप करवाएगा? है बाबा तो क्या आपको भी रोना आ रहा है? नहीं मैं क्यों रोंगी, मुझे तो आज बहुत सारा हंसना है, और वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारा प्यार करना है। तेरे साथ। अरे भाई बाबा को प्यार ही करती रहोगी या उनके लिए जो गिफ्ट लाई हो वो भी दोगी? ओह सॉरी सरप्राइज। क्यूट गिफ्ट है। हम इतने दिनों बाद मिले थे ना, इसलिए मैं आपके लिए लाई थी गिफ्ट। वकार तुम्हें इस वक्त अपनी बेटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये कौन है बकार? मेरे दोस्त की बेटी है। एक्चुअली इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ये यतीम है। चलो जाओ अंदर, कुछ नहीं होगा। खाबू की खिड़की जो खोलूं तो
देखूं, ख्वाबों की खिड़की जो खोलूं तो देखूं। चले बाबा। हाँ चलो। बाबा इतने दिन में मेरा गिफ्ट तो ले ले, आपने तो देखा भी नहीं मेरा गिफ्ट। हाँ यहाँ से वहाँ सारी दुनिया में घूम। एक काम करते हैं ना, उसको मैं तसल्ली से देखूंगा, आराम से बैठ के देखूंगा। अभी चलते हैं। जो खोलूं तो देखूं यहाँ से वहाँ सारी दुनिया में घूमूं। अच्छा हिना बेटा, अब हम घर जा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे वहां पर बाबा नहीं कहना। क्यों बाबा, मैं आपको बाबा क्यों नहीं बोल? अच्छा आपके घर में डैड बोलते हैं ना, ठीक है मैं आपको बाबा नहीं बोलूंगी, मैं आपको डैड ही बोलूंगी। आपने मुझे डैड भी नहीं कहना, आप मुझे सिर्फ अंकल कहो। क्यों बाबा, मैं आपको अंकल क्यों कहूँ? मेरे तो बहुत सारे अंकल है, लेकिन बाबा नहीं। और बाबा तो हर किसी के होते हैं। और आंटी ने मुझे कहा था कि बाबा है तुम्हारे, तो मेरे बाबा, तो मैं आपको अंकल क्यों कहूं? फिर आप बाबा की एक रिक्वेस्ट नहीं मान सकती? सिर्फ चंद दिनों के लिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको अंकल ही कहूंगी, लेकिन कभी कभी बाबा भी बोलूंगी, ठीक है ना? जब मैं कहूंगा तब। और ये सीक्रेट हम दोनों का है, ओके? ये है तुम्हारा घर। वकार, ये कौन है वकार? ये मेरे दोस्त की बेटी है, एक्चुअली इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ये यतीम है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वकार? ये घर है, कोई यतीम खाना नहीं है। जिसके माँ बाप मरते हैं तुम्हें उसे उठाकर घर लेकर आते हो, बिल गेट्स हो क्या? मत आओ इस घर में, कहीं भी चली जाओ लेकिन यहाँ मत आओ। अच्छा चलो, हम इस टॉपिक पर आराम से बात कर लेंगे ना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, इसको इसी वक्त इस घर से बाहर निकालो। अच्छा चलो, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा जल्दी। मैंने कहा ना, ये लड़की इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। जब चाहते हो किसी को उठा कर ले आते हो।
नादिया मेरी बात तो सुनो। वाली आंटी क्या तुम्हें भी अंदर नहीं जाने देती है? अरे बस भी कर दो अम्मा, वो तुम्हारी कोई सगी औलाद तो नहीं थी। तो क्या हुआ, मेरी इतनी प्यारी बच्ची थी, अब पता नहीं माँ उसके सौतेली माँ उसके साथ क्या सलूक करेगी। जो किया होगा अच्छा किया होगा, बस तुम इस गम से निकल आओ, अपने घर को देखो, भूल जाओ चुड़ैल को। चुड़ैल नहीं थी, परी थी मेरी बच्ची। अच्छा बाबा, भूल जाओ उस नीलम परी को। अच्छा जा, जाके मेरे लिए पानी लेकर आ। नादिया मेरी प्लीज बात तो सुनो ना। वकार, वो सिर्फ उस वक्त तक रह सकती है जब तक उसका एडमिशन नहीं हो जाता। ओके, आई प्रॉमिस। और हाँ, ये मत समझना कि वक्त के साथ मेरा फैसला बदल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम यतीमों के चक्कर में पड़कर मेरी तारा को इग्नोर करो। सर, आपने बुलाया? हाँ, मैरी, वो जो बाहर पोर्च में बच्ची बैठी हुई है ना, उसे प्लीज मेरे बेडरूम के सामने वाले कमरे में शिफ्ट कर दो। क्या सामने वाले कमरे? क्यों सामने वाले कमरे? स्टोर रूम है ना, उसकी सफाई करवाओ और उसे वहां शिफ्ट करो। जी जी मैडम। स्टोर रूम? नादिया, स्टोर रूम में वो कैसे रह सकती है? वहां तो सिर्फ बिजली है, ना एसी है, ना बेड है कोई, और ना ही कोई और फैसिलिटी। क्या हो गया वकार? अच्छे लिबास के बावजूद उस बच्ची की क्लास जाहिर हो रही है, और मैं सब जानती हूँ, इस क्लास के बच्चे पत्थर जमीन कहीं भी सो जाते हैं, एसीयों की आदत नहीं होती इन्हें। जैसे मैंने कहा वैसे करो, स्टोर रूम की सफाई करवाओ और उसे वहां शिफ्ट करो। जाओ यहां से। तो इतने नहीं होते थे। हाँ
चाचा जान तुम्हें यहाँ क्यों लेके आए? मेरे दोस्त की बेटी है, एक्चुअली इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ये यतीम है। तुम रो क्यों रही हो? फिर आप बाबा की एक रिक्वेस्ट नहीं मान सकती? बताओ भी तुम क्यों रो रही हो? वो मेरी नानो अल्लाह मियां के पास चली गई है ना, तो अंकल इसलिए मुझे यहाँ ले आए। क्या तुम्हारे बाबा भी अल्लाह मियाँ के पास? अरे भाई, किसी के बाबा के लिए ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह सबके बाबा को सलामत रखे, और किसी किसी के बाबा की मजबूरियां भी होती हैं। तुम्हें भूख लगी है? नानो हर हफ्ते बिस्कुट का बड़ा पैकेट लाती थी। एक बार हफ्ते में सिर्फ एक बार? हाँ, वो मेरी नानो के पास पैसे नहीं होते थे ना, इसलिए। अब अपनी पॉकेट मनी से रोज तुम्हारे लिए बिस्किट का पैकेट लेके आऊंगा। वी आर फ्रेंड्स नाउ। नहीं नहीं, नानो कहती थी लड़कों के साथ हाथ नहीं मिलाते, गुना मिलता है। आप मेरे साथ आए बेटा। आबे साहब अपने कमरे में जाइए, आप आइए। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? क्योंकि अब तुम यहाँ रहोगी। यहाँ पर तो लाइट ही नहीं है और मुझे अंधेरे में डर लगता है। नानू तो रात को भी बल्ब जला के सोती थी। अब वो साहब कह रहे थे कि मैं बल्ब लगा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है बल्ब लगाने की, पता नहीं है कितना बिल आ जाता है बिजली का। चलो जाओ अंदर, कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ, आओ इधर, इधर आओ। छोड़े मेरा हाथ, अभी मैं खुद जाकर बाहर सामान फेंक कर आती हूँ इनका। बेटा, वो कुछ अरसे के लिए यहाँ आए हैं, चले जाएंगे यहाँ से। जब आबे साया था, जब भी आपने यही कहा था। नहीं तो डैड इसे घर में क्यों लेकर आए? आप तो आबिस को भी बोर्डिंग भेज रही थी और डैड एक और चुड़ैल लेकर आ गए। मैंने कहा ना, छोटी सी बच्ची है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कॉम्प्रोमाइज करना होगा अपने डैड के लिए, समझी? मम्मी सच कह रही है, ये बच्ची तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी ऑफिसर, तारा मिल गई है। तो तारा बाबा की बेटी है? और वैसे भी ये जो छोटे घरों के बच्चे होते हैं ना, मेड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, समझी मेरी गुड़िया? अंकल, मेड लाजिम को कहते हैं ना?